हे गाइस, दिस इज डे 5 और आज हम जा रहे हैं नूसा पेनिदा। हमारी बोट के टाइम थी 8:15 और अब 8:15 हो चुके हैं, बट काफ़ी लेट हो गया। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी नूसा पेनिदा जाओ हमेशा एक घंटा जल्दी जाओ, स्पेशली अगर अपनी वाइफ के साथ आए हो। ज्यादा मत बोलो क्योंकि वो रेडियो में बहुत टाइम लगाते हैं और आप लेट हो जाते हो। खो भी देते हैं हस्बैंड, तो आई प्रेफर कि आप अपने टाइम से ही उठो। फायदा नहीं है, भूखे पेट आओ यहाँ पे। रिक्वेस्ट भी नहीं करके आए हम। तो हम कैसे तैसे यहाँ पहुँचे हैं और हमने बुकिंग कराई थी ऑनलाइन क्लूक से, जो हमें काफ़ी सस्ती पड़ी है। सो गाइस, यहाँ पे अगर आपको नूसा पेनिदा जाना है तो मोस्टली आपको लोग 5,000-6,000 ऐसे बोलेंगे पर पर्सन, बट आप ऑनलाइन बुकिंग करना, जहाँ से मैंने करी है ये मुझे जस्ट पड़ी 2,700 रुपीज़ फॉर 2 पीपल। तो काफ़ी रिजनेबल था, काफ़ी पैसे बचे हमारे। और डायरेक्टली यहाँ पर आके आपको टिकट मिल जाएगी। और अभी हमें सनूर हार्बर यहाँ से हमारी बोट है और बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे और कितनी भीड़ लगी हुई है। सजेस्ट करूँगा आप जल्दी आओ, एटलीस्ट एक घंटा पहले आओ ताकि आपको हैसल ना हो यहाँ पे इतनी। तो ब्रेकफास्ट करके आओ, ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा। बाकी हम बोट पे जाते हैं, आपको बताते हैं कैसे। Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. काफ़ी चिल करा, जहाँ पे सबसे आगे बैठते ना ऊपर, यहाँ पे लगेज रखते हैं, बट हम यहाँ पे हमें परमिशन लेके हम यहाँ ऊपर बैठ गए। प्रॉपर हमने ऐश करी है, लोग एट कर दिए, यहाँ कोई भी नहीं आया। पता नहीं लोग कैसे जाते हैं, बस में जैसे ट्रैवल करते हैं ना लोग, आराम से बैठे रहते हैं चुपचाप वैसे जाते हैं, बट वी आर ट्रैवलर्स, सो सी हमने पूरा चिल मारा है। उतना मजा आया ना ऊपर बैठ के, ठंडक फुल। और स्टोरीज वगैरह आपको देखनी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया फोटोज आई हैं, चेक करो।
पहुंच गए हैं दूसरा बनीता। हमने स्कूटी रेंट कर ली है, पागल बना रहे थे हमें कि एंट्री फीस है। हम उनको फिर हम दूसरे रास्ते से आए तो वहाँ पे किसी ने नहीं रोका। सो यहाँ पे बहुत पागल बनाते हैं, 250 रुपये ले रहे थे INR कि आपको एंट्री करने के लिए, बट हम आ गए जैसे तैसे। आज हमने बहुत अच्छी स्कूटी भी हायर करी है, शॉर्टकट से आ रहे थे तो शॉर्टकट पे खड़े हैं, जान के रोके पुलिस को कि उन्होंने फर्जी से बुला रखी है तो वो मत पे करना, आप जो एक्चुअल रास्ता वहाँ से आओ वहाँ कुछ पे नहीं करना। और हम जा रहे हैं कैलिंग बीच, जो फेमस है टीरेक्स बीच के नाम से, इसका डायनासोर जैसा हुआ है बीच का, वहाँ जा रहे हैं। कि ये भी मैंने मैप लगाया अपने फोन का, पहली स्कूटी है जिसमें मुझे ये मिला है, वरना मेरे हाथ दुख गए। वो मैप दिखाते दिखाते अब मजा है। गाइस हम आ गए हैं कैलिंकिंग बीच, व्यू देखो यार कितना तगड़ा है। जो मोस्ट फेमस प्लेस है जो आपने हर जगह देखी होगी मोस्टली कभी ना कभी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस चेक दिस आउट, नीचे तक जाना है ना गाइस, नीचे भी लोग हैं, छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं, कितने कितने से हो रहे हैं, बट वहाँ तक जाना हमारे बस की नहीं। मान नहीं जा रहे यहाँ चलिएगी ना नीचे, फिर वापस जोर कवर करना वो नहीं कर पाओगे, इधर थक जाओगे। तुम बस यहीं से देख के खुश हो जाएंगे, अभी फोटो खिंचवाते नीचे आके, एक पॉइंट है नीचे बस, ब्यूटी चेक करो यार। Check this out guys, एक डायनासोर नीचे है, एक डायनासोर मेरे साथ है। बहुत गर्मी है पर हाँ व्यू बहुत अच्छा है। गाइस अब हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, बाहर तो बहुत ही गर्मी है बहुत ज्यादा, तब हमने कुछ खाने पीने का ऑर्डर करा। बहुत हिम्मत से है यहाँ पे आने के लिए, मतलब जो लड़की है वो मेंटली प्रिपेयर होके आओ भाई, तो उठना है, इतनी ज्यादा राइड लेनी है स्कूटी की और बहुत गंदी धूप है। तो अगर आप कार से आओगे तो तब अपना 2 घंटे मांगे चलो आने में लगेंगे, और अगर स्कूटी से आ रहे हो तो आप हार्डली 35 या 40 मिनट्स में आ जाओगे। तो अगर आपको थोड़ा एडवेंचर करना है तो आप स्कूटी से आओ, अगर आपको आलस वाला चाहिए कि आराम से आऊँगा, या अगर आप यहाँ पर स्टे कर रहे हो तो आराम से कैब से आओ, पूरा दिन स्पेंड करो, तो इट्स अप टू यू। स्कूटी भी उसको अच्छी चलानी आती है, यहाँ के रास्ते बहुत कट बहुत शार्प है, तो अगर स्कूटी ढंग से नहीं चलानी आती तो आप गिर भी सकते हो, तो इस चीज़ में मैं इनकी तारीफ चलो कर देती हूँ कि हाँ चलो इनको अच्छी चलानी आती है, तो हम अच्छे से आ गए। इसके बाद हम जाएंगे डायमंड बीच और एंजल गोलब होंगे, से देखते हैं। मैं खतरों के खिलाड़ी में आ गया हूँ क्योंकि शुभी स्कूटी चला रही हूँ, thank you।
सो अब हम आ गए हैं डायमंड बीच। भाई साहब बहुत दूर था, सच्ची में बहुत दूर था, लिटरली राइड बिल्कुल भी इजी नहीं है। ओह गॉड, ओह गॉड, ओह गॉड, एकदम स्लाइड है यार, ये स्लाइड है गाइस। ओह गॉड, बहुत मुशक्कत करने के बाद हम आ गए हैं। स्किन की पूरी बैंड बच चुकी है और सबसे बड़ी बात मैं सनस्क्रीन भी भूल चुकी हूँ। बट यस, वर्थ है प्लेस। अब हम आपको जगह दिखाएंगे कैसी है, आंखें एकदम ना खुश हो जाएंगी उसको देख के। सो गाइस, हम आ गए हैं डायमंड बीच और यहीं आसपास है एक आतू बीच और एक ट्री हाउस, तो ये हम एक्सप्लोर करेंगे आज। और एक दो बीच और थे वो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज। अभी शुभी गई है चेंज करने, सो काफ़ी देर से सुसु आ रहा था, उसका वेट कर रहा हूँ मैं। फिर हम चलते हैं नीचे डायमंड बीच और इसके बाद हमारी फेरी है शाम की अराउंड 5 PM। सो अगर आपको यहाँ पे आना है, आई सजेस्ट आप मॉर्निंग में आ जाओ, 6:15 की पहली फेरी है और उसके बाद 8 बजे की है। 6:15 अगर आपको आना तो एटलीस्ट आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। वो तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम रात को सोए थे अराउंड 1 AM, तो हमने तो 8:15 वाली करी थी और बहुत जाम होता है यार। एटलीस्ट आप निकलना 1.5 आवर पहले अपने होटल से, चेक कर लेना मैप में कितना दूर है, उसके अकॉर्डिंग निकलना। बिकॉज बहुत लोगों की फेरीज मिस हो गई थी ड्यू टू ट्रैफिक, क्योंकि वो आराम से लग्जरी में कार से आ रहे थे और कार का इतना लंबा ट्रैफिक होता ना यहाँ पे, तो स्कूटी थी हमारे पास, हम फटाफट निकल गए साइड साइड से, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बट अगर आप कैब से आ रहे हो तो एटलीस्ट 2.5 घंटे पहले निकलना। मैडम रेडी हो गई है, चेक कर लो। आपने मुझे पहला भी आउटफिट चेक नहीं करवाया। गाइस चेक दिस आउट, वर्थ है यार आने, इतनी मुशक्कत करके। Check this view and this view and this view. आप भी चेंज कर लेते हो सही है? चलो। थैंक यू। सर कंग्रेचुलेशंस टू यू बोथ। Who said? One man besides. जब भी बोलो दोबारा बोलो। Let's go. दो रास्ते हैं, ये अतु बीच है इस तरफ और ये डायमंड बीच है। आपने उड़ गया, बहुत भारी है। मैं गिर सकती हूँ, बचा सकते हो आप? काश मैं इसका मुक्का मार पाता पीछे से। बहुत ही फोटोजेनिक प्लेस है, सब लोग रुक के पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। मतलब ऐसे कि वो रास्ते ही रुक गया भाई, बंदा
कभी कभी आता है। ये सब हिल रहा है, ध्यान रखना, सब कुछ हिल रहा है, ध्यान रखना। अब तो चाहती हूँ मैं हिल के गिर जाऊँ। गाइस बहुत ही गांड फाड़ रास्ता है, सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट यस इट इज। अगर आपको फोबिया है हाइट का तो भगवान देख ही नहीं रही हूँ, तो भगवान भरोसे आप मुझे है यार। और अगर आप किसी दुश्मन के साथ आ रहे हो कैमरा में दुश्मन के नाम से, अगर आप किसी दुश्मन के साथ आ रहे हो तो ये वीडियो कॉल करेगी देखेगी तो ये बेस्ट प्लेस है, समझ रहे हो? शट अप गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अपना ध्यान रखो और फिर तभी आओ। मुझे 6 दिन से इसने कूली बनाया हुआ, अभी भी देख रहे हो इतना सामान टांगा हुआ मैंने, उसको तो एक सामान जिसके पास अभी मेरे को ड्रेस भी चाहिए वो भी तो चेंज कर। गाइस इट्स वेरी डिफिकल्ट आफ्टर मैरिज, लेग्स हो गए यार। पहले मैं इतने चौड़े में घूमता था, अब जो मैं पैसे बचाता हूँ उसकी ये शॉपिंग कर लेती है। गाइस हम नीचे जाके मिलते हैं बिकॉज इट्स नॉट सेफ। गैस हमने जस्ट अभी कवर करा डायमंड बीच, मस्त गो है, बट आप फिजिकली फिट होने चाहिए, यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव अगर आपको यहाँ आना है। अगर आप सोचो, मैं खुद बोलती हूँ मेरे यार दोस्त मेरी बहन यहाँ नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। अगर आपको आना है और आप एक्सरसाइज या फिजिकली चैलेंज नहीं ले सकते अपने आप पे तो आप बस ऊपर से फोटो खिंचवा के चले आओ। वो जो नहीं है ना, वो जो दूसरा वाला बीच था ना, वो टीरेक्स शेप वाला, हाँ। वो तो बहुत ही मुश्किल था, वो तो देखने में लग रहा था भाई ये नहीं हो पाएगा, वो हमने खुद ही बोला हमने नहीं कर सकते, तो हमने स्किप कर दिया क्योंकि हमें यहाँ भी आना था। बट अनदर सजेशन इज, अगर आपके पास टाइम है तो आप एक नाइट स्टे यहाँ पे ले लो। अगर आपको लगता है कि आप तीनों चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते तो आप ब्रेक लेके कर लो, जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन वो टीरेक्स शेप वाला कर लो आप, बाकी के नेक्स्ट डे आप ये वाला कवर कर लो मॉर्निंग में, और जितना मॉर्निंग आओगे उतना बेटर है, जितना दोपहर और शाम को आओगे उतनी आपकी लेन देनी हो जाएगी। तो आई थिंक वो काली हो चुकी है, ये सारा मेरा टैन है पर मुझे लगता है रोहित के फोन में मैं फिर भी बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ बाकी हम जा रहे हैं अतु बीच, इसकी थोड़ी चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू गो डाउन फ्रॉम दैट साइड, समझे? ओके चेक करो इसकी, उतरना नीचे आसान है और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पर बस गिनती के एक या दो रेस्टोरेंट हैं और जो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे घूमने का एरिया भी ज़्यादा है, वहाँ पे घूमने का एरिया भी कम है डायमंड बीच पे। तो अगर आपको लगता है फिजिकली फिट नहीं हो सो यू कैन कम टू अतु बीच, यहाँ पे आपका बीच पे आने का शौक भी पूरा हो जाएगा और थोड़ी बहुत आप ट्रैकिंग भी कर लोगे। यहाँ पे ऐसे बैठने के भी वो है, हाँ यहाँ पे शेक्स भी है, हाँ।
प्लस यहाँ पे जो वेव्स हैं वो इतनी डीप नहीं है, आप थोड़ा पानी में जा सकते हो। और जो डायमंड बीच है वहाँ तो बहुत गहरा है, आप वहाँ समुद्र में जा नहीं सकते। तो अगेन माई सजेशन इफ़ यू कांट गो देयर यू कैन जस्ट क्लिक द पिक्चर्स फ्रॉम द टॉप, फिर आप यहाँ पे आ जाओ चिलमार में। पिक्चर से तो क्लिक करानी है, वहाँ पिक्चर क्लिक करा लो ऊपर ऊपर। हाँ। जैसे हम नीचे गए थे स्टेयर से वहाँ मत जाओ, क्योंकि भाई वहाँ तो गांड फट जाती है, सच कह रहा हूँ। हमारे पैर एकदम खत्म हो चुके हैं, आज की एक्सरसाइज हो गई है और नहीं हो पाएगी रात को। गाइस नजारा तो है नीचे, आ जाओ। नजारा पर लड़कों के लिए है गाइस, देयर इज नो नजारा फॉर गर्ल्स। खाने के लिए मैं नीचे आ रही हूँ, मतलब ऐसी प्लेस प्राइस पे मिलेगी आपको। आओ यार, पहुंच गए बस। तो सर आएगा अरे बाबा नीचे आ गए। आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो, जाओ ना, गो सी योर व्यू। तो गाइस यहाँ चिल हो रहा है, फ़ोन की मेरी बैटरी हो गई डेड तो ये शूट हो रहा है। डूब गई है ओशन में एक डिप लेने, तब तक यहाँ चिल हो रहा है। गाइस हमारा तो खाना पीना हो गया, ये तो पूरी कॉम्प्लेक्शन का माँ बहन हो गया, पूरे टैन हो गई। टी शर्ट पहन लिया, आई लव बाली, और मैंने इनके कपड़े ही पहने जो बदबू वाले, प्यार 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 बढ़ता है। बहुत स्मेल आ रही है कपड़ों में। अब हम जा रहे हैं वापस। वहाँ ऊपर तक जाना है, नूर हार्बर। घूम लिया, मैं तो डेड हो गई, मतलब अब कुछ करने की पता नहीं चल भी कैसे रही, पैर में इतना दर्द हो रहा है, घुटने दर्द हो रहा है। पांच दिन से चाय नहीं पी, आप मेरा मुंह देख सकते हैं। चाय की बहुत जरूरत है, मम्मी की याद आ रही है मुझे, घर आना हो गया, नहीं नहीं था। ये डेढ़ रेबल्स करने के लिए लेके आए थे आप।
मैंने जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी इतने महीने में नहीं करी, मैंने यहाँ कर ली। भगवान बहुत सोच के आना चाहिए। ये बाली बढ़िया जगह है, बट अगर आपको ये सारा आइलैंड कवर करने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। बाकी वही है ट्रैवलिंग मेहनत कराने के लिए, जैसे मेरे में ये था थे था थे अभी तो ओके मम्मी को भेजूंगा। कहीं भी जा सकते हैं, मैंने तुमने बोला भी जाए उधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, मुझसे दूर रहो। ऑफर भी दिया मैंने 4-5 बाकी आपसे मिलते हैं कल। कल हम जाएंगे ताना लॉर्ड टेम्पल और फ्रेंड्स जाएंगे या पोटैटो हेड बीच क्लब जाएंगे। लेट्स सी।